तुंगनाथ मंदिर 3680 मीटर की ऊंचाई पे दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर है। 5000 वर्ष पुराना यह मंदिर स्वयं विद्याशिष्ट बाला सप्त सुंदरी जय जय माता ओम नमः शिवाय। ऐसा है वैसा है, आपकी यात्रा मंगलमय हो। आगे मार्ग गलती उठ चौड़ाई वाला है, धीरे चलें, सांस नहीं फूलेगी। तो आप देख सकते हैं तुंगनाथ वाले रूट में कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रखी है, डिफरेंट टाइप के रोडोडेंड्रन हैं, जन्नत का नज़ारा है। हमारे भाई लोग हैं नीचे से, ट्रैक अच्छा है वैसा ना, बहुत बढ़िया, बहुत मज़ा ट्रैक करते हुए। अभी तो हम लोग मुश्किल से 2000 मीटर हाइट पे होंगे, 3600 मीटर पे पहुंचना है। आगे देखना आप कितनी सांस फूलती है ना। रास्ता बड़ा सुंदर है ना, देखो क्या बढ़िया हो रखा। अभी से हम लोगों को पसीना लगने लग गया संतोष। टुडे गोइंग टू अमेजिंग। तो अभी हम लोग तुंगनाथ का ट्रैक कर रहे हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये आगे रास्ता है। पगडंडिया तुंगनाथ की आप देख सकते हैं, बहुत ही शानदार शानदार है। सामने रोडोडेंड्रन के चारों ओर पेड़ हैं, सामने हिमालय दिख रहा है। कितने टूरिस्ट आ रखे हैं इधर, देख सकते हैं यहाँ लोगों की गौशालाएं हैं, कितना सुंदर ब्यूटीफुल। आगे आप हिमालय देखिए, ये जंगली पालतू पशु हैं। ऊपर देखो आप, वो ऊपर जा रहे हैं तुंगनाथ के लिए, हमारे दोस्त हैं सामने, वो भी आप देख सकते हैं। हम लोग चोपता वाले बुग्याल में खड़े हैं, आप देख सकते हैं यहाँ का, यहाँ की सुंदरता। सामने हिमालय पर्वत है, काफी सुंदर है, सो ब्यूटीफुल। तो आप लोग देख सकते हैं, अभी भी हम तब से चल ही रहे हैं, 10 बजे से चल ही रहे ना अभी, अभी तक। देखो सामने बहुत ही खूबसूरत व्यू है। तुंगनाथ का ट्रैक रियली अमेजिंग, आप देखिए बहुत ही सुंदर है। आप देखिए हम अभी कहाँ पे हैं, आज का ट्रैक तो बहुत ही एडवेंचरियस होने वाला है, जैसे कि बोला भी नहीं जा रहा अभी तो।
आगे बढ़ो। आप देख सकते हैं मैं कहाँ खड़ा हूँ, आप अंदाजा नहीं लगा सकते मैं किस साइड पे खड़ा हूँ। हम देखिए बहुत ही सुंदर, हम देखिए नीचे कितनी खाई है, मजा आ रहा है बस देख के। आप पीछे देखिए मेरे पीछे। अब हम लोग नाश्ता करेंगे, यहाँ गरम गरम पराठे खाएंगे 3500 मीटर की हाइट पे। आप देखिए हम लोग नाश्ता कर रहे हैं, अभी हमें काफ़ी ऊपर जाना है, आप ऊपर देख सकते हो पीक चंद्रशिला जाना है जो कि काफ़ी दूर है। अब हमारे आप देखिए गरम गरम पराठे हैं, इनको छकेंगे, ये देखो इतनी हाइट पे लजीज पराठे, लजीज। ये हमारा पूरा टेंट वेंट है, हम टेंट भी लगाएंगे यहाँ पे, ये देखिए आप पराठा खाएंगे इतनी हाइट पे, चारों ओर बर्फ है देख सकते हैं। बिल्कुल मैं आ रहा हूँ, बर्फ ही अभी यहाँ। कल एक ब्लॉग बना रहा था ना, अच्छा हाँ पर था, देख सकते हैं आराम से एक जगह खड़े हो, यहाँ पे जाम लग गया, आओ आराम से बच्चों का जाम लग गया, आराम से आराम से संतोष जाम लग गया आगे, तुम ना ट्रैक में भारी दबाओ, आराम से गिरना मत, चलो चलो चलो। तो आप जैसे देख सकते हैं यहाँ इतनी भीड़ हो रही, बर्फ है संतोष, गो लिटिल बर्फ में जाओ हल्का सा है, हाँ फ्रेश है ना। किसका बच्चा ले लिया संतोष, हेलो
आ जा आ जा आ जा, लग रहा है जूते बिक जाएंगे ना, फिसल रहे हैं उसमें। तो फाइनली हम तुंगनाथ में पहुंचने वाले हैं, पूरा बर्फ से ढका हुआ लगभग है। अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं हम लोग। तो आज का जो ट्रैक था काफ़ी थकाने वाला था, एंजॉय भी किया हमने। आप देख सकते हैं जहाँ तक नज़र मारो बर्फ है। बेटे कैसा लगा ऊपर जाके? बढ़िया। चंद्र चला गए थे? नहीं नहीं गए थे। कहाँ से आ रहे तुम? मंदिर से, बस। देहरादून से है? चलो चलो गुड। फाइनली हम लोग तुंगनाथ पहुंच गए। जय ओम नमः शिवाय। देख सकते हैं शिव मंदिर है, पीछे चलते हैं। वर्ल्ड का हाईएस्ट टेंपल है शिव मंदिर। ओम नमः शिवाय। तो आप देख सकते हैं तुंगनाथ मंदिर कितनी क्राउड है, जबकि अभी कपाट क्लोज है।